फिर आप समाज में बांटने लग गए। आप राजपूत समाज की बात ना करो। मैं नहीं बांट रहा भाई साहब, आप बटोगे भी की, आप दिखाऊंगे भी आपने उड़ते सारे, तो सारे काम फिर बदल होंगे, मैं दिखाऊंगा। मैं हूँ जगह में ना होते होंगे तो जब तू जरूर करवा देगा पंगा। तू बार 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 तू इससे बात पकड़ी जोर दे रहा है। नमस्कार, मैं अजय और चुनाव आता फारिक होए, यानी भाई सबकी कमर टेढ़ी हो गई थी, अब सिद्ध हुए हैं। अब एक चुनाव और आ गया, वो चुनाव वो आ गया कि वो आन बान शान यानी सब सौदा यह है भाई, नू है कि हो ना हो पद में, लेकिन जो पद की गरिमा है वो कुर्सी गरिमा है, वह एक अलग से भी बना हुआ है नगर परिषद उप प्रधान की। तो 30 पार्षद हैं, 31 पार्षद हैं और एक चेयरपर्सन है, वो 32 हो गए। लेकिन चेयरपर्सन का वोट पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से, पड़ेगा उनका पड़ेगा, तो 32 वोट पड़ेंगे और एब की बार उप प्रधान कोई अलग होगा, अटके होगा और उसी की दौड़ के अंदर स्तंदर मोर जी को देखा जा सकता है, क्योंकि एक्टिव हैं, ज़बरदस्त हैं, पला नुमाया करते भाई, काम करवा लिया, काम चल गया चले जाया करते, अब चेहरे हैं, पार्षद हैं, अपने वार्ड की अगुवाई करते, शहर की अगुवाई करते, एक तो लठ रोप रखा है शहर में बिच्ची। नमस्कार। नमस्कार अजय भाई, आपको और शहरवासियों को आफत के लिए भी और इस गर्मी से रात के लिए भी। देख ले दोनों बात कर दी भाई, भगवान ने रात दी थी, अच्छा। प्रशासन ने आफत बना दी। हाँ ये चीज बनी मोर साहब, बनी ना, क्योंकि अब की बार लगा कि इस कमेटी के अंदर ऐसे ऐसे पार्षद चुन गए रहे जो कड़वे बोलने हैं, कड़वे और अच्छे, कड़वे और अच्छे की बात नहीं है इसमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर अधिकारी थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे तो वो चीज़ उसका मज़ा, इस बरसात का मज़ा लिया जा सकता, लिया जा सकता था, इस परेशानी बढ़ने से रोका जा सकता था अगर इसको थोड़ा सा सावधानी बरती। ये बारिश शहर के लिए समस्या बन गई, समस्या अपने आप बन गई। अगर थोड़ा सा पहले उनको सीवरेज की सफाई है, मेन होल की सफाई है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके अगर चलते तो ये बरसात लोगों के लिए रात का काम करती, अब लोगों के लिए परेशानी का काम करती। तो मोर साहब अब 29 तारीख को चुनाव हैं और उप प्रधान की कुर्सी खाली है, वहाँ पे भी विराजमान हो जाएगा, तो 31 पार्षद हैं, तो किस प्रकार से स्तंदर मोर की निगाह रहेगी, किस प्रकार से कुर्सी के लिए लड़ा जाएगा देखा जाएगा। ऐसा है अजय भाई, ये 31 पार्षद और नगर परिषद के हाउस के भाईचारे का इलेक्शन है, इसके अंदर इच्छाएं सभी की होती हैं। लेकिन मोर साहब भाईचारा चुनाव बाद आम ताम 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 ओठला तक पहुंच जाए। ना ना ना, ऐसा पहले पहुंचा करता होगा, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, सारे साथी मिल बैठ के और एक अच्छा सा निर्णय लेंगे जिसमें एक दूसरे का टांग खिंचाई ना हो, एक दूसरे का मनमुटाव पैदा ना हो, हाउस के अंदर हम भाईचारा भी बना रहे और एक दूसरे का सहयोग हो के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहयोग एक दूसरे का करके अरे शहर के लिए सुविधाओं को बढ़ाएं और अच्छे से अच्छा साथी हमारा इस सीट के ऊपर बैठे। मतलब एक अहम चुनाव रहता है शहर का, जिले का, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का, चाहे वो चेयरपर्सन का, चाहे वो नगर पार्षद का हो। हाँ बिल्कुल, चुनाव तो चुनाव होता है, जाति के आधार पर चुनाव बटता है, भिवानी का क्या मानते हैं, तो जाति समीकरण में चलेगी। देखो आप इस सुनो आप इस चीज़ के ऊपर तो ध्यान ना दो और ना इस चीज़ की तरफ इसने लेके जाओ, क्योंकि मैं नहीं लेके जा रहा, चर्चा आप यहाँ से शुरुआत करोगे, सुनो आप यहाँ से शुरुआत करोगे और आगे बढ़ जाएगी। जाति तो किसी ने मतलब चर्चा नहीं है मेरे सामने तो कभी नहीं आई इसी। अच्छा हाँ, शहर में जातियाँ क्या हैं, जातियाँ तो हमें जो इंसान है, इंसान ने एक अपने आप को वर्गों में बांटा हुआ है, सबसे पहले तो आप इंसान हैं और इंसान के नाते इसमें इलेक्शन होगा। आप मैंने बता दो अगर जाति के हिसाब से इलेक्शन होगा तो क्या चेयरमैन बनाओगे भाई इसमें? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मौसम आपसे, वही है नहीं ना, खुल के बात कर रहा हूँ आपसे, है नहीं ऐसा कुछ भी, मैं खुल के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जाति विशेष के साथ इसमें बात चलेगी और ये भाईचारे का इलेक्शन, इसको भाईचारे के साथ ही रखेंगे। कौन कौन फाइट में है, किस तरह से फाइट में है और आप अपने आपको कहाँ मानते हैं? देखो मैं अपने जो सारे साथी पार्षद हैं, अगर उनका सहयोग हुआ, उनकी इच्छा हुई तो मैं कितने लाइन में हूँ, तो मैं कितने दावेदार हूँ, अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो आप पता हाथ जोड़ के उनके साथ। इस तरह के और भी इच्छाधारी हैं? हाँ इच्छाएं तो 31 के 31 पार्षदों की इच्छाएं होती है, 31 के 31 पाड़े बैठे हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं, सबका अधिकार है, क्यों नहीं होना चाहिए सबको, 31 के 31 एमसीओ को सबका अधिकार नहीं है क्या भाई? सेवन साम दाम दंड भेद सारे अपना, कोई साम नहीं, कोई दाम नहीं, कोई भेद नहीं, कोई दंड नहीं, कोई कुछ नहीं, भाईचारे से मिल बैठ के और बढ़िया फैसला करांगे। और मैं तो कहूँ सारे ने मिल के ना अक्षरों सम्मति तो बना लो उनकी शेख ने,
सबके हाथ लग है, सबकी नजर भी मीठी रहेंगी, आपस में बनी रहेंगी, क्यों कंपटीशन करके रस्सा कसी बनाओ? क्या सुझाव देंगे? मैं तो ये सुझाव दूंगा कि अगर सारे मिल बैठ के और अपने चेयरमैन से और विधायक से या सबसे बातचीत करो और एक आदमी का नाम लेकर नजर बना लो, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। बात अजम को नहीं स्कूल के बताओ। नहीं, अजम होने वाली बात ने ये सब का मन में लड्डू फूट रहे हैं। मैं यूँ कह रहा क्यों नहीं फूटे? इकतीस लोग मैं यूँ कहूँ क्यों नहीं फूटे? किसका अधिकार नहीं है? 31 एमडी बन क्या रहे हैं? क्या सबको किस कोई एक ऐसा है कारण है जिसको भी एक आदमी को भी आप ये कहो कि इसको अधिकार नहीं है इलेक्शन की वाइस चेयरमैन बनने की सोचने का? क्यों नहीं है? सबको अधिकार है और होना भी चाहिए। मैं सब एक अहम सवाल लेता हूँ, तो अब जैसे चेयरपर्सन राजपूत मा से है, हाँ? तो क्या प्रधान भी राजपूत मा से हो सकता है या कोई अन्य एमसी सारे चाँव हैं तो चाहे वैसे कार्य बना लो, हमने उसमें भी एतराज नहीं। के बुराई है? क्यों फिर आप समाज में बांटने लग गए? आप राजपूत समाज की बात ना करो। मैं नहीं बांट रहा भाई साहब, आप बटोगे भी आप दिखाऊं भी आपने उड़ते सारे तो सारे काम फिर बदल होंगे, मैं दिखाऊंगा। मैं हूँ जगह में ना होते होंगे तो तू जरूर करवा देगा पंगा। तू बार तू इससे बात पकड़ी जोर दे रहा है। नहीं मौसम मैं सही दे रहा हूँ, बात तो है, मैं पूछ रहा हूँ, सही बात पूछ रहा हूँ, आपको पता है मैं सही बात पूछ रहा हूँ। भाई ये हकीकत है, कैमरा आगे ना बताओ, लेकिन बात आपको पता है कि मैं सही बात पूछ रहा हूँ। बात कैमरा बताने की उसकी नहीं, हाँ। मैंने आपको ये कह दिया कि 31 एमसी उसमें सारे समाज के साथी आ गए, जिस भी आदमी का वोट लेके एमसी बन के आया है ना, उस हर किसी का ये अधिकार है, हर किसी की ये इच्छा होनी चाहिए, हर किसी का ये राइट बनता है कि अगर सारे एमसी मैंने मौका दे दे तो मैं बैठ जाऊँ। साहब अभी तक आपने 16 पार्षद चाहिए, 17 चाहिए, तो कितने पार्षद की बात हो चुकी, क्या आंकड़ा मान सकते हैं? सारे तो होली बात बात हो चुकी है, बात सबसे क्यों को नहीं सारे आड़े मिला हाँ तो क्या, स्पेशल क्या कहा, क्या आशीष मिला उनके द्वारा? ऐसा है, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ अगर मैंने वोट दे दियो। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे भाईचारे के नाते सबसे मुलाकात करी है और आपसे भाईचारे के नाते ही सबसे दिनचर्या की भेंट है ये, और उम्मीदवार होना ना होना ये एक व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं हो सकती, ये व्यक्ति विशेष की ये इच्छा तो उसको भी मैंने बना दें, लेकिन सहयोग तो सारे का राज्य होंगे ना, वो जब भी बनाया जाएगा, नहीं तो बनाया भी कौन जाएगी? तो अब क्या अपील करेंगे, क्योंकि अब व्यक्ति विशेष शब्द में ले अब कैमरे के आगे भी क्योंकि अपील कर लो। मैं तो अपील यह है भाई, सारे जने साथी बैठ के जब विचार करें, अगर आप लोगों को मैं इस लायक नज़र आता हूँ तो मेरे बारे में विचार करके देख लियो, अच्छा लगे तो बता दियो, नहीं लगे तो मैं तार गेल से सुनूंगा तारे। अगर आप लोगों को लगे कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है और इस पद के लायक मेरे को आप समझो तो मेरे बारे में जरूर विचार करो। किस प्रकार का उपप्रधान होना चाहिए फिलहाल, किस प्रकार का? क्योंकि पिछले जो कमेटी की बात करें वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, हाँ, तो अब की बार का जो उपप्रधान बने वो किस प्रकार का बने? बात प्रकार तो काम चलता को नहीं, 31 में छाटना पड़ेगा सारे ने। मैच्योर सबसे मेन बात यह है कि मैच्योर हो जी, और काम की लोगों के कामों के प्रति लगन रखे, और शहर के विकास में साफ सफाई में गंदगी दूर करने में जल भराव खत्म करने में इतनी जो सारी शहर की समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने प्रधान के साथ मिलके और अच्छे तरीके से इस इन समस्याओं का निपटान करें, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। चलो जी, तो अब 31 पार्षद हैं और एक चेयरपर्सन है प्रीति भवानी, 32 हो गए, तो 17 के लिए जीत के लिए 17 चाहिए, तो मोर साहब उसमें नंबर वन पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे कैमरे आगे मोर साहब पहले आए, तो मैं नंबर वन मैं कहूँगा कि मेरे कैमरे आगे नंबर वन पे हैं। मेरी वीडियो तो नंबर वन पे फिलहाल। आप अपने व्यक्तिगत विचार कर मान सकते हो इसको नंबर वन वाला, मैं मेरा ये नहीं मानता कि मैं पहले नंबर का हूं कि मैं दूसरा हूं। आपको नंबर वन नहीं बता रहा, दौड़ में नहीं बता रहा, मेरे कैमरे के ऊपर आने के पहले नंबर मैं न्यू मान सकूं। अजय भाई ने मैंने पहला मान लिया, इसके लिए अजय भाई का इसके लिए अजय भाई का धन्यवाद, मैंने पहले मान लिया। तो आपसे विनती है शहरवासियों से, पार्षदों से और उन लोगों से जो आज इसी चुनाव के अंदर अपनी दिलचस्पी भूमिका देख रहे निभाने की तैयारी कर रहे, तो कमेंट के माध्यम से बताना चाहिए, बताएंगे, बताओ कि आपका उपप्रधान नगर परिषद का कैसा हो और किस तरह की हो, क्योंकि महिला भी आ सकती है, जेंट्स भी आ सकता है, ये तो एक खुला चुनाव देखा जाएगा। जे एन सी से अजय नायक, पंकज सोनिया, खास रिपोर्ट।